हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम शशि झा। आई वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ चाणक्य क्लैट क्लासेस। चाणक्य क्लैट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि चाणक्य क्लैट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको रेगुलर सही गाइडलाइन, सही टेक्निक और सही ट्रिक बताए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट में। तो अभी मैं आपको इंग्लिश के एक छोटे से टेक्निक को सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में काम करेगा। तो आइए, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप अभी चाणक्य क्लैट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर आ जाओ। यहाँ पर जो दो क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर लो, ये फर्स्ट और सेकेंड। इसके लिए 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, आप सॉल्व करेंगे। यार है ना, बड़ा कॉमन सा ये सेंटेंस है, बड़ा कॉमन सा वर्ड होता है। डोजन बोलूँ या डोजन्स बोलूँ, थाउजेंड बोलूँ या थाउजेंड्स बोलूँ, हंड्रेड बोलूँ या हंड्रेड्स बोलूँ, बड़ा कॉमन सा हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टू डजन्स एग्स हैव बीन बाउ। अब क्या करोगे, समझ नहीं आ रहा है डजन्स, तो भाई ठीक है टू है तो डजन्स कर दिया, यहाँ एक्स कर दिया। अब क्या करूँ, सही है गलत है समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। कहता है टू डजन ऑफ एग्स हैव बीन बाउड। इसमें क्या आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आओ मैं आपको समझा रहा हूँ। आप सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आगे से। यार एक वर्ड है ना अपना डजन, थाउजेंड और हंड्रेड, यानी दर्जन, सैकड़ा और हजार, इसमें क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस नहीं सर, डजन तो पता है कि बारह का पेयर होता है, बारह को हम लोग एक साथ रखते हैं तो डजन बोलते हैं, वही अगर सैकड़ा सौ आ जाते हैं तो हंड्रेड हो जाते हैं, हजार आ जाते हैं तो थाउजेंड हो जाते हैं। बट कभी कभी ना थाउजेंड्स दिखता है, कभी कभी थाउजेंड दिखता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो यार, वैसे तो आपको मालूम है जनरली, जनरल में क्या करते हो, नाउन में अगर आप एस और ई एस अगर जोड़ देते हो तो वो प्लूरल हो जाता है, क्योंकि इन जनरल वे नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और जब आप उसमें एस और ई एस जोड़ देते हो तो वो प्लूरल हो जाता है। बट कुछ एक ऐसे नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल सेम होता है, कुछ ऐसे नाउन है जिनका एज अ सिंगुलर यूज करो और एज अ प्लूरल यूज करो बिल्कुल सेम रहेंगे। अगर आप उसमें एस और एस लगा देते हो ना तो आप गलत हो जाते हो। यही चीज है यहाँ पर डजन के साथ, थाउजेंड के साथ, हंड्रेड के साथ। अब देखो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। अगर कभी डजन के पहले, अगर कभी हंड्रेड के पहले, अगर मान लो हंड्रेड के पहले वन लगा हुआ है, टू लगा हो, क्या लगा हो, अगर मैं बोलूं वन हंड्रेड, टू हंड्रेड, अ हंड्रेड, तो याद रखना इनके लिए एस और एस का यूज आप नहीं करते हो, यानी हंड्रेड के बदले हम हंड्रेड्स का यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। हंड्रेड्स का यूज नहीं करेंगे हम, गलत हो जाएगा। डजन्स का यूज नहीं करेंगे, थाउजेंड्स का यूज नहीं करेंगे। कब, अगर इनके साथ वन तो आपको लग रहा होगा सर एक है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भाई अगर टू भी लगा हुआ है, वन टू थ्री फोर ऐसे कुछ को लगा रहे या ए लगा रहे, तो इनके साथ कभी भी आप एस और एस का यूज नहीं करोगे। सुन लेंगे, डजन, थाउजेंड और हंड्रेड, इनके पहले अगर ए लगा रहे, टू लगा रहे, थ्री लगा रहे, वन लगा रहे, अगर ये सब लगा रहे तो इनके बाद कभी भी आप एस और एस का यूज नहीं करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो थाउजेंड्स नहीं होगा, हंड्रेड्स नहीं होगा, डजन्स नहीं होगा। कब, अगर इनके पहले ए लगा हुआ है, वन लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है तो, ठीक है। तो अगर सर इनका प्लूरल बनाना होगा तो आगे भाई जो वर्ड है वो प्लूरल हो जाएंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप डजन बोलो, डजन्स बोलो, डजन्स गलत हो जाएगा अगर उसके पहले वन लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, ए लगा हुआ है तो। बट इन जनरल अगर मान लो उनके पहले वन टू ए ये सब नहीं लगा हुआ है तो आप कर सकते हो। तो जैसे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, जैसे ए
हंड्रेड्स ये भी होता है, ये सही है, इन थाउजेंड्स होगा, इन थाउजेंड्स होगा, इन थाउजेंड्स का यूज आप करोगे, ठीक है ना, इन थाउजेंड्स होगा, इन डजन्स होगा, इन हंड्रेड्स होगा, ये होगा, कब नहीं होगा, अगर उसके पहले ए लगा रहे हैं, वन लगा रहे हैं, टू लगा रहे हैं, तो आप वहां पर किसका यूज नहीं करोगे, तो आप उसके पहले यूज नहीं करोगे, समझ गया मेरे बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, एक बात और, अगर इनके पहले ना ए लगा रहे हैं, वन लगा रहे हैं, टू लगा रहे हैं, तो इनके साथ कभी भी ऑफ का यूज आप नहीं करते, है ना, अगर इनके साथ आप ऑफ का यूज नहीं करते हो, ऑफ का यूज नहीं करते हो, ध्यान रखना आप थोड़ा सा, अगर कभी डजन के पहले वन लगा हो, टू लगा हो, ऑफ लगा हो, वन लगा रहे, टू लगा रहे, ए लगा रहे, तो इनके साथ ऑफ का भी यूज नहीं करते। तो इस पूरे थीम से क्या समझ आया, हमें ये समझ आया सर कि डजन, थाउजेंड, हंड्रेड, इन सभी के पहले अगर ए लगा रहे, वन लगा रहे और टू लगा रहे, ये सब लगा रहे, तो इनके साथ ना ही हम एस ई एस लगाते हैं और ना ही इसके बाद हम ऑफ लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना, यानी प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें और ऑफ लगाने की कोशिश ना करें। अगर कभी डजन के पहले वन लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ध्यान रहेगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हंड्रेड्स का यूज हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ बुक हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ बुक हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ टेक्स हो सकता है, यानी सर डजन्स ऑफ टेक्स हो सकता है, यानी सर आप डजन्स के बाद ऑफ लग रहा है, हंड्रेड्स के बाद ऑफ लग रहा है, हाँ भाई लगेगा, कब नहीं लगेगा, अगर मैं यहाँ पर ए लगा दूँ फिर ये गलत हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ टू थाउजेंड्स ऑफ तो गलत हो जाएगा, बट ऐसे नॉर्मली थाउजेंड्स ऑफ बुक हो सकता है, सैकड़ों बुक की बात हो रही है, सैकड़ों किताबें की बात हो रही है, डजन्स ऑफ टेक्स ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर वन लगा दे तो गलत हो जाएगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे टू लगा दिया, टू डजन्स ऑफ टेक्स को ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल पे में है तो डजन्स ऑफ टेक्स ये सही है, दर्जनों अंडे की बात करें, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर डजन, हंड्रेड और थाउजेंड के पहले ए लगा रहे, वन लगा रहे हैं या टू लगा रहे हैं, ये सब लगा रहे हैं, तो ना ही एस लगाओगे ना ही ऑफ लगाओगे, समझ गए ना, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टू डजन्स, और तो यहाँ पर डजन्स है नहीं होगा भाई, क्योंकि टू लगा हुआ था, डजन होगा सिर्फ, तो एस यहाँ से हटेगा, उतना नहीं करना, सिर्फ आंसर करना है, ए पार्ट में एरर है, कोई दिक्कत, आगे एक्स होगा। अब देखो यहाँ पे टू डजन ऑफ लगा दिया भाई, आप ऑफ का यूज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि टू लगा रहे हैं, अगर टू वन ये सब लगा रहता है तो ऑफ का यूज नहीं होता है, सॉरी इसका नहीं मिलता। तो मेरे बच्चे मुझे लग रहा है कि अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि थाउजेंड्स का यूज कब करते हैं, थाउजेंड का यूज कब करते हैं और थाउजेंड ऑफ का यूज कर देते हैं, तो ऐसे ही थाउजेंड, हंड्रेड, डजन, क्लियर है। तो ऐसे ही टेक्निक के लिए बने रहो, सब्सक्राइब करो चैनल क्लासेस और बने रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।